परमल की सुमृत हाई स्कूल कीड़ा मैदान के मंच पर वीआईपी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया बैठक। बैठक में सर्वसम्मति से सारे सदस्यों ने मिलकर फिर से बरमनखी अध्यक्ष रोहित कुमार सहनी को दिया कमान। रविवार 6/10/24 को वीआईपी पार्टी रोहित कुमार सहनी के अध्यक्षता में यह बैठक किया गया। आपको बता दें कि रोहित कुमार सहनी पहले से ही मनोनीत अध्यक्ष थे, लेकिन आज के बैठक में फिर से उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया। वीआईपी पार्टी के पूर्णिया से आए वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिसमें सभी प्रभारी मौजूद थे, साथ में बनमनखी विधानसभा के सभी पंचायत के गणमान्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी जी। यहाँ बनमनखी अनुमंडल के ही बीच में हम हैं, अगर बोले तो सुमृत हाई स्कूल के कीड़ा मैदान मंच पे खड़े हैं। जी हाँ, ये मंच भी ऐतिहासिक रहा है, चूंकि यहीं से कोई बिगुल बजती है और बिगुल बजने के बाद विधानसभा बनमनखी में पहुँच जाती है। उसी क्रम में आज यहाँ पे वीआईपी पार्टी के सारे कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता जो पहले मनोनीत था उसको भंग करके नए सिरे से यहाँ कार्यकर्ता को पद देने हेतु जिला से कुछ कमेटी आए हुए हैं, उनके लोग हैं, और यहाँ पर डिसाइड किया गया कि किस तरीके से अब विधानसभा की तैयारी किया जाए, चूँकि आने वाले दिन में पलटू चाचा कब पलटी मार दे और कब सरकार भंग हो जाए, कब चुनाव हो जाए, ये बात सोचने वाली बात है। इसलिए यहाँ पर सारे भीड़ हैं और भीड़ से हम जानने का प्रयास करते, खास करके जिला कमेटी जो आए हुए हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किसको मनोनीत किया गया और आगे कार्यकर्ता को कहां तक बढ़ाया जाए और किस तरीके से बनमनखी विधानसभा में इनका पांव जमे, इस पे कार्य किस तरीके से होना है। जी सर, आपका बनमनखी में स्वागत है। आप बताएं कि ये जो मीटिंग हुई इसका मूल क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो बनमनखी वासी और ये हमारे सुमृत के कीड़ा मैदान में जितने भी हमारे वीआईपी के कार्यकर्ता और हमारे जो है समाज के जितने भी आदमी आए हुए हैं, सबको मेरा प्रणाम और नमस्कार। यहाँ पे जो है हम लोग का कमेटी पहले से भी चल रही थी, जैसे कि होता है ना, हर जो है 3 साल पे 2 साल पे जो कमेटी चेंज होती है, तो हमारा जो है पूरा राष्ट्रीय कमेटी से लेके जो है प्रदेश प्रदेश से लेके जो है जिला जिला से लेके प्रखंड तक का जो है कमेटी भंग हो चुकी थी। इसमें जो पुनः जो है अभी रोहित जी को हम लोग जो है यहाँ पर मनोनीत किए हैं और सुचारू रूप से हम लोग दुर्गा पूजा के बाद आके यहाँ पर जो एकदम उनको जो है फिर चयनित करके और कमेटी को जो है आगे बढ़ाएंगे और जो है हम लोग बूथ लेवल तक पहुंचेंगे। क्या परिचय है? मेरा नाम विजय महालदार हुआ, जिला अध्यक्ष वीआईपी पार्टी पूर्णिया। जी आप क्या कहेंगे दो शब्द में? मेरा कहना यह है कि पहले रोहित जी प्रखंड अध्यक्ष को मनोनीत ही किया गया था और आज भी मनोनीत किया गया है। अगला जो है समय ये दुर्गा पूजा के बाद चयनित किया जाएगा और उसमें विधानसभा भी अध्यक्ष जो होगा उनको भी चयनित किया जाएगा। जी क्या परिचय? मेरा नाम चंदन निषाद, जिला प्रधान सचिव वीआईपी पार्टी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हम थोड़ा सा इधर भी ले लेते हैं, चूँकि नए जोश के साथ 3 साल कार्य कर चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पे मनोनीत होके भी प्रखंड अध्यक्ष के रूप में हर गांव खेड़ा में लोग इन्हें जानते हैं और वीआईपी पार्टी का नाम को रोशन करने वाला ये व्यक्ति से थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे आज आपको अध्यक्ष फिर से मनोनीत किया गया है, आने दिनों में आपको चयनित भी किया जाए, क्या कहेंगे? हम सर जितना भी पूर्णिया से वीआईपी पार्टी के जो आए हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं। मेरे विजय जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं और अभिषेक जी हैं, रानी मैडम जी हैं, और मैं सबको धन्यवाद। मित्रा जितना मेरा दोस्त और मित्रा जितना मेरा हमारा गेस्ट सब आए हुए सबको मैं धन्यवाद करना चाहते हैं वीआईपी पार्टी बनमनखी। आपको कैसा लग रहा है आज तक? एकदम मलवा लुवा पहन के बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरे का पूरा अध्यक्ष बनिए गए और जिला से जो आए कमेटी है मेन हेड वो बोलिया दिए हैं। क्या कहेंगे पूरे बनमनखी में जो 24 पंचायत है, बनमनखी परिषद और जानकी नगर नगर पंचायत को छोड़ करके जी, तो इसमें जो लोग हैं उनसे क्या कहेंगे वीआईपी पार्टी के लिए? 3 साल से सर काम करे वीआईपी पार्टी अच्छा, इससे और बेहतरीन काम करेंगे सर, और जान की बाजी लगा के काम करेंगे। मुकेश सहनी के लाने में पूरा जान की बाजी लगा के। और आखिरी में सर आप क्या कहें? बड़ा नौजवान है, नौजवानों का देश है जी, और आपको नौजवान देख के बड़ा हर्ष हो रहा है, खास करके वीआईपी पार्टी में, आप क्या कहें? सबसे पहले तो सभी बनमनखी विधानसभा जनता को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं,
और सबसे पहले तो यह है कि मुकेश सहनी जी का एक नारा है, सरकार बनाओ अधिकार पाओ, उसके बैनर तले हम लोग काम करेंगे और मजबूती से पूरी संगठन को आगे बढ़ाएंगे। क्या परिचय हुआ? अभिषेक कुमार देव, वीआईपी पार्टी जिला उपाध्यक्ष पूर्णिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते हैं दो शब्द में, ज़्यादा नहीं? देखिए, सबसे पहले उपस्थित यहाँ पे जितने भी हमारे साथी हैं, सम्मानित साथी हैं, सबको पुनः एक बार धन्यवाद। रोहित जी संगठन और पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे थे और यहाँ के लोग ने और विश्वास भी जिताया और उन्हें फिर से मौका प्रखंड अध्यक्ष बनने का मिला, उसको विशेष रूप से आभार और धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय में जो एक सकारात्मक जो परिणाम आपको देखेगा 2025 में, वो आपको देखने को मिलेगा। जी, क्या परिचय है? देखिए, मैं जिला प्रवक्ता हूँ और कल ही मैं आईटी सेल का जिला अध्यक्ष प्रदेश कार्यालय से नियुक्त हुआ हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नंदन कुमार जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए, बहुत एकदम जोर जोर से हाला कर रहे थे। वीआईपी पार्टी को किस तरीके से देखते हैं और बनमन की विधानसभा में इसका पांव कहां तक जमा है, क्या कहेंगे इस पे? वीआईपी पार्टी आज कहतो की पार्टी है, इसमें जो एकजुट होकर लड़ना है सभी को, क्योंकि इस बार एक नई पार्टी का उदय हुआ है बिहार में, इसलिए कार्यकर्ता को मिलकर संगठित होकर लड़ना है। क्या परिचय? सचिव वीआईपी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। बनमन की सुमृत हाई स्कूल कीड़ा मैदान से MS परदेशी।